और संभल जिले में प्रदेश का पहला हाईटेक सरकारी प्राथमिक स्कूल अपना आकार ले चुका है। जिले के असमोली विकासखंड के अति पिछड़े डायला माफी गांव के बदहाल स्कूल के कायाकल्प के प्रयासों के लिए संभल जिले के एक शिक्षक को इसका श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिक्षक कपिल मलिक को राज्य शिक्षक और आदर्श विद्यालय के पुरस्कार से सम्मानित किया है। संभल की बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने बताया कि इटाला माफी प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं। विद्यालय की सभी गतिविधियां हाईटेक हो चुकी है। बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है और साफ सफाई की व्यवस्था भी उच्च स्तर की है। विद्यालय के सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। के प्रधानाध्यापक कपिल मलिक जी हैं और इन्हें 3 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुका है और इनके यहाँ जो सारी व्यवस्था है वो टेक्निकली रूप से स्ट्रांग है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ तक कि जो अभी टीचर अटेंडेंस की बात हो रही थी विरोध की, यहाँ पर तो सभी बच्चे भी बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाते हैं। जब मैं विद्यालय में आया था तब नामांकन 56 था, 56 था और आज लगभग 200 के ऊपर मेरे यहाँ बच्चे हैं। और जब गाँव को का बड़ा विरोध था, जब मैं इस विद्यालय को बनाना शुरू किया, भारी विरोध किया और आज स्थिति यह है, आस पड़ोस के 4 गांवों से लगभग 40 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। बैन लगी हुई है, रतुपुर है, मछायली है, पल्लूपुरा है, लोदीपुर है, तो इन गांव के मतलब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, नगला है। और बड़ी भारी इसमें हमने मेहनत की और इसमें मतलब मुझसे भी ज़्यादा सपोर्ट मेरे स्टाफ का रहा, जिन्होंने मतलब प्रथम जो है ज्ञान को रखा। और हमारे यहाँ सारी स्मार्ट क्लास हैं, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लॉन है, हमारे यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं। बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर बेंच हैं, एक एक रूम में दो दो तीन तीन फैन हैं, मतलब बच्चों को हमने, और बच्चों को पानी के लिए वाटर कूलर है ठंडे पानी के लिए, बच्चों को हमने सुविधाओं के साथ साथ बच्चों के लिए ज्ञान का भी बहुत, जो स्मार्ट क्लास लगे हैं पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को स्मार्ट क्लास के हिसाब से उन्हें समझाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ने में आसानी हो।